Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear student. This is Arslan Ansari and I am your computer teacher. आज हम nested loop की ही एक example को discuss करेंगे और बहुत ही interesting topic है और बहुत ही interesting चीजें हैं. आज हम एक ऐसी चीज को पढ़ेंगे जिसके जरिए आप programming के through बहुत सारे structures बना सकते हैं. अब वो structures बनाने का तरीके कार क्या होता है तो उसको हम आज इस program के अंदर discuss करेंगे. सबसे पहले हम program के अंदर उन्होंने लिखा write a program that prints the following structure. ये एक structure दिया है, शक्ल दी है. अगर आप देखें तो कुछ इस तरीके से आपको ये एक triangle नजर आएगी और इस triangle के अंदर different जो है क्या stars मौजूद हैं. उन स्टार्स के थ्रू एक खास शक्ल बना दी गई है जिसे आपने क्या कहा ट्रायंगल है. ये आपके पास ये लाइंस तो खैर मैंने आपको समझाने के लिए एक्स्ट्रा लगा दी है लेकिन ये पार्ट ऑफ प्रोग्राम नहीं है, पहले क्लियर कर दूं. लेकिन ये स्टार किस तरीके से एडजस्ट किए गए हैं जिसकी बेस के ऊपर ये स्ट्रक्चर हमें देखने को मिला है तो आज हम उसी के ही प्रोग्राम को देखेंगे. सबसे पहली बात तो ये है कि इसमें दो चीजें शामिल हैं. नंबर वन चीज कि दो चीजें कौन कौन सी हैं. पहली तो ये अगर आप देखें वो ये है कि ये रोज है डिफरेंट, एक दो तीन चार पांच, टोटल पांच रोज है. दूसरी चीज जो बड़ी इंटरेस्टिंग है वो ये है, आप देखेंगे कि पहली रो के अंदर कितने स्टार्स मौजूद हैं, पांच. फिर दूसरी रो के अंदर कितने मौजूद हैं, चार. फिर तीसरी रो में तीन, चौथी रो में दो, फिर एक. इसका मतलब दो प्रोसेस आपने एक साथ रन करने हैं. पहला लूप हम इस रो के लिए इस्तेमाल करेंगे, दूसरा लूप हम इन अंदर वाले स्टार्स के लिए इस्तेमाल करेंगे. अब हाउ कैन इट वर्क्स एंड हाउ कैन वी डू दिस, तो इसको देखते हैं. लेट्स स्टार्ट. फर्स्टली जो ऑलरेडी नो दैट कि व्हाई वी पुट लाइन नंबर्स, ऑब्वियसली बेसिक के प्रोग्राम के अंदर हमें लाइन नंबर्स मेंशन करने होते हैं तो बाय डिफॉल्ट उसकी जो नंबरिंग होती है वो 10 20 30 40 और सो ऑन होती है. तो लाइन नंबर 20 में हम हमने एक लूप लिया और वो लूप क्या था, फोर लूप लिया हमने और हमने एक वेरिएबल लिया y इज इक्वल टू 521. उसमें हमने ये बताया कि वो जो लूप है वो लूप कहां से चल रहा है 521 तक. अब 5 कौन सी है, ये लाइन नंबर 5 है, ये लाइन नंबर 4, लाइन नंबर 3, लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 1. सबसे पहले कर्सर क्या करेगा आपको समझने की जरूरत है. उसने y की वैल्यू 5 कंसीडर कर ली, यानी कि अभी वो सिर्फ पहली रो की बात करेगा, लाइन नंबर 4, लाइन नंबर 3, 2 और 1 की बात नहीं करेगा. फिर नेक्स्ट जब वो यहाँ प्रोग्राम की लाइन नंबर 20 में जाएगा तो यहाँ देखेगा उसने लिखा 4x इज इक्वल टू 1 2 y. अब 1 2 y कैसे कंप्लीट होगा वो आपको समझने की जरूरत है. जब x की वैल्यू 1 होगी तो वो लाइन नंबर 30 में आ जाएगा, एक स्टार को प्रिंट कर देगा. तो ये आपके पास एक स्टार क्या हो गया, प्रिंट हो गया. जब प्रिंट हो गया तो प्रिंट होने के बाद अब वो नीचे आएगा, लाइन नंबर नेक्स्ट हो गया, नेक्स्ट के बाद दोबारा वो यहाँ चला जाएगा और अब एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी. तो अब वो नीचे से दोबारा क्या करेगा, एक्स की वैल्यू 2 होके दूसरा स्टार को वो प्रिंट कर देगा. फिर ये प्रोसेस दोबारा यहाँ से यहाँ गया, नीचे नेक्स्ट कर दिया, फिर यहाँ से यहाँ गया, एक्स की वैल्यू 3 हो जाएगी, तीसरे स्टार को प्रिंट कर देगा, नीचे आ जाएगा, फिर 4 हो जाएगी, चौथे स्टार को, फिर नीचे आ जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर पांचवें स्टार को प्रिंट कर दिया. अब क्योंकि इसकी रेंज कहाँ तक थी, 1 2 y तक. y हमने क्या लिया हुआ था, 5. इसका मतलब y की जगह पर क्या चीज मौजूद थी, 5 मौजूद था. अब 5 से आगे तो रेंज ही नहीं है. अब लूप आपका यहाँ जाने की बजाय बल्कि कहाँ जाएगा, यहाँ. और वो y की वैल्यू कौन सी ले लेगा, 4, क्योंकि हम 5 to 1 की तरफ जा रहे हैं. तो पहले 5 हम ले चुके, अब वो y की वैल्यू 4 ले लेगा. जब वो 4 लेगा तो इसका मतलब अब हम इस लाइन की बात कर रहे हैं. नीचे आएगा, पहले x की वैल्यू 1 लेगा, एक स्टार प्रिंट हो जाएगा, नेक्स्ट x करके दोबारा लाइन नंबर 20 में x की वैल्यू 2 लेगा, दूसरा स्टार प्रिंट होगा, फिर नेक्स्ट होगा, फिर 3 लेगा, फिर 4 लेगा, सो ऑन. ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा कब तक, जब y की वैल्यू, सॉरी यहाँ पर 4 मौजूद है क्योंकि ऊपर से हमने 4 लिया था. x की वैल्यू जैसे 4 कंप्लीट हो जाएगी, इसका मतलब 4 स्टार्स कंप्लीट हो गए. अब जब यहाँ जाएगा तो नेक्स्ट को कोई वैल्यू नहीं है, तो फर्दर क्या करेगा, दोबारा वो इस लाइन को ऊपर ले जाएगा, यानी y की वैल्यू अब 3 कर देगा और 3 के अंदर भी ये सारा प्रोसेस होगा 3 टाइम, और फिर 2 करेगा, 2 के अंदर ये प्रोसेस होगा 2 टाइम, और
फिर फायर करेगा, उसके अंदर ये प्रोसेस होगा वन टाइम। तो बच्चों ये था हमारा आज का प्रोग्राम जिसके अंदर हमने डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनाए हैं, ड्रॉ किए हैं, इसको आपने देखना है। अगर मैं बात करूं एक इसी ऐसे स्ट्रक्चर की, लेकिन उसकी शक्ल मैं यू कर लूं, उसमें आपका ये प्रोसेस उलट हो जाएगा। अगर आपको समझ आ जाए मेरी बात, तो ये यहां आ जाएगा 1 2 5 और यहां आपके पास आ जाएगा उलट प्रोसेस आ जाएगा, यानी 5 to y। तो ये आपका प्रोसेस चेंज हो जाएगा लेकिन बिल्कुल सेम ही रहेगा और बाकी जो प्रोग्राम की कोडिंग है वो बिल्कुल सेम रहेगी। तो बच्चों ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने नेस्टेड, अगर आपको बात करें तो ये जो हमने बात की थी नेस्टेड की, जिसके अंदर लूप के अंदर लूप आता, तो आप ये देखिए एक लूप शुरू हो चुकी है, उस लूप के अंदर ये दूसरी लूप आ रही है, इसको हम नेस्टेड लूप कहते हैं। तो अगर इसमें से आपको कोई भी बात समझ ना आई हो, कोई भी क्यूरी हो, तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर पे कॉल कर सकते हैं। फर्दरमोर अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।